हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल गंभीर। आप देख रहे हैं किरदार प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, रिया चक्रवर्ती को आखिरकार सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बुला लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है, कड़ी पूछताछ की जा रही है। आज सुबह 10:30 बजे ही पहुंच गई थी रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में। रिया चक्रवर्ती जब गेस्ट हाउस में दाखिल हो रही थी, एंटर कर रही थी, तब मीडिया ने उनसे सवाल करने चाहे, लेकिन जैसे ही रिया से कुछ पूछा, रिया चक्रवर्ती ने अपनी कोहनी अपनी गाड़ी के शीशे पर दे मारी। उनका गुस्सा साफ दिख रहा था, उनकी झंझलाहट साफ दिख रही थी। आपको भी दिखाते हैं एक तस्वीर जिसमें रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में दाखिल हो रही हैं। ये है रिया चक्रवर्ती अपनी सफ़ेद सूट में और अपनी गाड़ी से उतरते हुए डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में एंटर कर रही हैं। तो इसी गाड़ी पर उन्होंने अपनी कोहनी मारी थी, गाड़ी के शीशे पर कोहनी मारी थी जब उनसे सवाल किए गए। अब आपको एक चीज और बता दें कि एसपी नूपुर प्रसाद सीबीआई की तेज तरार ऑफिसर है और वो ही अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही हैं। सीबीआई की बहुत होनहार ऑफिसर हैं, बहुत बड़े बड़े केस उन्होंने सॉल्व किए हैं। वो ही अब रिया चक्रवर्ती से तीखे सवाल करेगी, क्योंकि बहुत हो चुके अब तक वालों के मीठे सवाल, अब बारी है तीखे सवालों की। अब रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है, और अगर रिया चक्रवर्ती के सवालों जवाबों में कोई भी झोल नजर आया सीबीआई को, तो सीबीआई उनको हो सकता है कि आज शाम तक गिरफ्तार कर ले, और ये भी हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को आने वाले दिनों में और भी बुलाया जाए पूछताछ के लिए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो। हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को भी अब सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ले जाया जाएगा। एक बड़ी और खबर आ रही है इस वक्त की कि नारकोटिक डिपार्टमेंट एनसीबी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की तैयारी कर चुका है। उनको जो चैट के सबूत मिले थे रिया चक्रवर्ती के, सैमुअल मिरांडा के, जया साहा के, और जो ड्रग डीलर था गौरव आर्या, उसके जो सबूत मिले थे उससे और भी कई खुलासे उनको पता चले हैं, और भी जानकारियां मिली हैं, और भी बड़े बड़े लोगों के नाम उस चैट में और भी निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि ड्रग डीलर ना सिर्फ इनसे कांटेक्ट करता था बल्कि और भी उसके कई सारे कस्टमर थे। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी उसके कस्टमर थीं। आने वाले दिनों में ये सुनने में आ रहा है कि 20 से 25 बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने आ सकते हैं, ये खबर आ रही है। जी हाँ, और वो 20 से 25 लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हो सकते हैं, फैशन की दुनिया से जुड़े लोग हो सकते हैं। अब उनका भी नाम उजागर होगा, और नारकोटिक डिपार्टमेंट सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करेगा, लेकिन सब कुछ ये तय होगा उसके बाद। इनका कोऑर्डिनेशन सीबीआई के साथ होगा, सीबीआई अपनी पूछताछ करेगी, वो कब गिरफ्तार करेगी और नारकोटिक डिपार्टमेंट कब गिरफ्तार करेगा, इसके लिए इनको तालमेल बिठाना पड़ेगा, पूछताछ अभी जारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करना है। यानी कि आप सब्र बनाए रखें, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी ज़रूर होगी, आज नहीं तो कल रिया सलाखों के पीछे ज़रूर होगी, इसमें कोई शक नहीं।